अमेरिका की आप पढ़ाई करने जाएंगे और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अमेरिका जाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम उर्मिला लोना एंड आई एम एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल एंड आई बिलोंग टू अ लोअर क्लास फैमिली इन जोधपुर राजस्थान। थी कि लाइक मैं जितने अलग अलग लोग हो सके उनसे मिलूँ और उनसे बात करूँ और लाइक उनको फ्रेंड्स बनाओ ताकि मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स हो। पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारी पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस घर वाले कभी कभार नहीं देते हैं, तो वाकई में कुछ कहते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे, करना तुम्हारा मेरा बिजनेस ही है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी हर चीज़ की, तो मैं रोने भी लग जाती थी। लाइक एकदम से हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र होना वॉज अ रियली चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। टोफल एग्ज़ाम होता है एक, जब अमेरिका जाता है तो हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फ्लॉलेसली, सो यू हैव टू गिव दैट एग्ज़ाम। तो आई यूज़ टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन ये काबिलियत हमें भी होनी चाहिए कि हम कुछ कर दिखाएं। इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है और अमेरिका जाने के लिए इनको एक सुनहरा अवसर मिला है। अमेरिका में आपने पढ़ाई करने का क्यों सोचा है? In 2016, when I was about to come in 6th grade, I got and my brother got to know about Sitare Foundation. Sitare Foundation is an educational NGO with support underprivileged students like me. So in 2016, I gave some exams and went through some interviews and got enrolled in Euro International School, and I was sponsored and supported. My education was supported by Sitare Foundation. So from 6th grade to 12th grade, they supported my education and provided me with basic facilities like laptops, books and school uniforms, etc. So like as I was good in academics and some extracurriculars as well, so I tried my best, I worked really hard. You know, at first I was from an Hindi medium school and like it was a big change when I got transferred to an English medium school and international school in 6th grade. So at first it was really hard for me, I went through a lot of struggles, but my family supported me, there were a lot of supportive teachers in the school. Yeah, and I also worked really hard to achieve my goal, and I was like, eventually I became good at academics, I was able to catch up with other excellent students, and therefore like the Sitare Foundation gave me this opportunity to study abroad in America. So yeah, and I'll be majoring in computer science in University of Minnesota. Yeah. तो आप कैसे कंसिस्टेंस कैसे रहे, क्योंकि आपने जो स्कूल में पढ़ाई की थी, एक स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट रहना, एक स्टडी को फॉलो करते रहना, और आपने जो जज्बा दिखाया है, जो आपने एक इंटरेस्ट दिखाया है, वाकई में आपके इंटरेस्ट को किसी ने पहचाना था या आपने खुद करके दिखाया था? एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जब स्कूल स्टार्ट की थी एंड इंटरनेशनल स्कूल में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. एकदम से हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र होना वॉज अ रियली चैलेंजिंग टास्क फॉर मी. तो पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने बहुत स्ट्रगल किया. यू नो, आई यूज़ टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई करती थी रोज़. लोग अगर मुझे कुछ प्रनाउंस नहीं करना आता था, इंग्लिश में कुछ बोलना नहीं आता था, तो मैं उसको लिख के याद करती थी. तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी फैमिली में भी मेरे को सपोर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा थे, तो मेरे पापा रोज़ सुबह मुझे 4 बजे उठा के और मेरे पास बैठते थे. उनको भले ही कुछ ना समझ में ना आता था कि मैं क्या पढ़ती थी क्या नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो पास में बैठ के मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ. और कभी कभी ऐसे टाइम भी थे जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी हर चीज़ की, तो मैं रोने भी लग जाती थी. लेकिन धीरे धीरे मेरे कुछ सपोर्टिव टीचर्स भी थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी इंग्लिश के ऊपर सब कुछ, तो धीरे धीरे टीचर्स के सपोर्ट के थ्रू, फाउंडेशन के सपोर्ट के थ्रू एंड मेरी फैमिली के सपोर्ट के थ्रू आई वाज एबल टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. कई सारे स्टूडेंट्स की ये मांग होती है कि हम जो बोलते हैं, एक तो हम हिंदी में बोलते हैं, हमारी मदर टंग जैसे मारवाड़ी है, तो कई सारे लैंग्वेजेस होती है, तो इंग्लिश की पकड़ आप में इतनी मजबूत कैसे हुई, स्ट्रांग कैसे हुई कि हर कोई इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता, उसको भी कई साल लग जाते हैं. आजकल हम कई स्कूल में देखते हैं तो कई टीचर्स जो हमारे लोकल एरिया के होते हैं, उनको भी आप जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं जैसे मैंने अभी सुना है, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और वो भी आजकल वो टीचर्स होते हैं. तो आप उस स्कूल में पढ़े, तो उनके टीचर्स की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? दे वर एक्सीलेंट टीचर्स ऑब्वियसली. इंटरनेशनल स्कूल्स में जो टीचर्स होंगे उनकी इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट लेवल की होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारी इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, जैसे एकदम से जो बच्चे थे अंडर प्रिविलेज बच्चे थे तो उनका एक अलग क्लास सेक्शन होता था और उनके अलग इंग्लिश में लाइक प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। एंड आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। उधर भी लाइक मैंने TOEFL एग्ज़ाम होता है एक, जब अमेरिका जाता है तो हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक English fluently and flawlessly, so you have to give that exam. उसकी preparation के दौरान भी like बहुत सारे like tuition teachers थे तो उन्होंने भी like बहुत support किया। तो या हाँ, धीरे धीरे like जब जैसे extra classes ली और बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारे like foreigners से भी like you know I talked to a lot of foreigners and others people who were flawless in English, like very fluent in English. So gradually I catch up to them and like you know internet is a thing where we can learn everything. So धीरे धीरे like मैं social media पे भी बड़े scroll करना हो गया या कोई research other activities research article पढ़ना हो गया, तो धीरे धीरे books पढ़ने के दौरान भी like मेरी English इस तरीके से like improve हुई। तो major tips आप क्या देना चाहोगे जो major student होते हैं जो आज भी थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे जो आपने टिप्स अपनाई जो इंग्लिश में आपने इम्प्रूवमेंट अभी देख रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ आप में बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो ये टिप्स आप कुछ शेयर करना चाहोगे जो इंग्लिश में आज ऐसे टिप्स वो भी लेंगे जो आप मतलब फॉलो करेंगे, तो क्या टिप्स थे जो आपने अपनाया और अपना कर एक आपने जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हैं और ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? Like the simple answer is through practice. You'll have to practice a lot. You'll have to read a lot. Like बहुत सारी books पढ़नी होगी आपको, क्योंकि English ऐसी चीज़ है जहाँ पे like बहुत सारी चीज़ें होती है. Like there are some words like for example honesty. Honesty में H होता है जो silent होता है, ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे words होते हैं silent. वो vocabulary, ghost words, there are a lot of like things in different things in English. So एक ऐसी चीज़ नहीं है हिंदी में, जैसे अगर हम बारहखड़ी होती है जो वर्णमाला हम सीख लेते हैं तो उससे हमें अच्छी खासी काफ़ी लेवल तक हिंदी हमें अच्छे से पढ़नी या बोलनी आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में आपको बहुत सारी किताबें वेराइटी ऑफ बुक्स आपको पढ़नी होगी जिससे आप जान सको कि हर वर्ड को हर अलग तरीके से बोला जाता है. तो लाइक आई जस्ट से रीड अ लॉट. एंड ग्रामर के लिए ऑब्वियसली यू हैव यूट्यूब, इंटरनेट पर आजकल सब कुछ मिल जाता है फ्री में सीखने को, तो यूट्यूब पे आप ग्रामर के लेक्चर्स देख सकते हो कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकते हो. मैंने स्पेसिफिकली ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया था और आई यूज़ टू रीड अ लॉट एज वेल. सो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश. वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कहाँ से शुरुआत करे, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, वो कहाँ से शुरुआत करे और कहाँ ख़त्म कर दे? केवल बुक्स पढ़ने से ही उसकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती, कम्युनिकेशन करना किसी के साथ वो मेजर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम जिससे मान लो उसको तो मान लो हिंदी नहीं आती, समझे, फॉरनर्स के साथ अगर कुछ कन्वर्सेशन करते हैं तो हम मैक्सिमम देने का कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी हिंदी नहीं समझ सकता, तो हमारा जितना एफर्ट है हमारे इंग्लिश बोलने का जितना भी आता हमने सीखा आज तक तो वो हम बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई हिंदी उसको पहले से आती होगी तो हम ऐसा कई बातों में हिंदी निकल जाती. तो आपने किससे कन्वर्सेशन किया जो मेजर टिप्स होती है ना कन्वर्सेशन स्किल? लाइक मेरा केस एक्सेप्शनल था क्योंकि लाइक मुझे बहुत सारे, जैसे मैं दिल्ली में भी रही 2 साल, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो फ्लॉलेस थे इंग्लिश में और लाइक उसी फील्ड में काम करते थे. मुझे तो ऐसे लोग मिलते रहे जो मतलब इंग्लिश में काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे, लेकिन जो कॉमनर्स है उनके लिए मैं एक आपको सजेशन दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है कैम्बली, तो उधर आप लाइक फॉरेनर से, अमेरिका से नेटिव स्पीकर्स इन इंग्लिश लाइक अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, उनसे आप बात कर सकते हो फ्री में वीडियो कॉल पर. लाइक आपको बस वो ऐप यूज़ करना होगा, लॉग इन करना होगा और आप उस ऐप से लाइक बहुत सारे जो फॉरेनर्स होते हैं आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो और वो आपको सिखाएंगे भी. लाइक अगर आपको कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, टूटी फूटी आती है, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. तो वो एक बेसिक सजेशन है, लाइक यू कैन यूज़ दैट ऐप. बुक्स का मतलब थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, ग्रामर्स का नॉलेज नहीं है, तो क्या वो कम्युनिकेट कर वो इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है क्या? ग्रामर आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइक लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश. लाइक दैट्स व्हाट आई बिलीव. ग्रामर लाइक जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे हिंदी में हम वाक्य बना के लिए हम देखते हैं कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर वो क्रिया आती है, तो इंग्लिश में लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. तो लाइक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना, बेसिक चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे तब तक आप फ्लुएंट तो नहीं बन पाओगे ऑब्वियसली. तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद आप धीरे धीरे लाइक लोगों से बात करने, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने की कोशिश करो.
और आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट को फॉलो किया जो कम्युनिकेट कर पाते थे, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर पाते थे? आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ जब आपको लगा कि मैं थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोलना सीख गई हूँ? आपको कब लगा स्टूडेंट को कितना टाइम लग सकता है कि इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी इंग्लिश को? क्या आपने मतलब सोचा था कि मैं इतने साल में इम्प्रूव करूँगी? क्या था प्रोपेक्शन? मैं सिक्स क्लास में मेरा लाइक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन हो गया था, तो एवरीथिंग वाज टॉट इन इंग्लिश इन दैट स्कूल. सो धीरे धीरे मुझे कैचअप करने के लिए सब कुछ इंग्लिश में सीखना पड़ा. लाइक मेरे को तो इवेंचुअली लाइक आई से इट हैज़ बीन 7 ईयर्स सिंस आई हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लिश लाइक एवरीथिंग. तो 7 साल हो गए मुझे, तो इसीलिए लाइक मेरी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट है. ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप लाइक फ्लुएंट हो गए, एक बार में सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन एवरेज अगर आप कंसिस्टेंटली सीखते जाओ तो आई गेस आप 2-3 साल में काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे. कब लगा? जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टोफल, राइट, द एग्ज़ाम दैट आई टोल्ड यू. सो टोफल की प्रिपरेशन करते वक्त मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी. लाइक आप हर एक स्टेप पे आप हर एक नई मतलब बहुत सी नई चीज़ें सीखोगे. जब आप रीड करोगे, आपको कोई आपका टीचर सिखाएगा, तो धीरे धीरे आप लाइक हर स्टेप पे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे. मुझे ऐसा लाइक लगा कि मैं काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ जब मैंने टोफल एग्ज़ाम दिया एंड आई स्कोर्ड लाइक अ स्कोर ऑफ 94 आई गेस. सो या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उससे आप लाइक शब्दों का मीनिंग देख सकते हो. और उससे भी आसान आजकल सबके पास फ़ोन होता है, गूगल ट्रांसलेटर होता है, तो गूगल में भी आप लाइक हर एक शब्द की मीनिंग या अर्थ उसका देख सकते हो आसानी से. आई लाइक इज विंग्स ऑफ फायर. लाइक इट इज़ अ स्टोरी अबाउट APJ अब्दुल कलाम. आई रियली लाइक दैट बुक. सो आप वो भी रीड कर सकते हो. और बिगिनर्स के लिए यू नो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एक्चुअली, बट बहुत सारी बुक्स है जैसे आप छोटे से बच्चों के लाइक नर्सरी राइम्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो या लाइक बेसिक्स के, ताकि आप एंटरटेन भी होते रहो और साथ में आपको छोटी छोटी लाइक बेसिक चीज़ें सीखने को मिल जाए. इंस्टीट्यूट में आपने थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की, जैसे दिल्ली गए थे आप, तो काफ़ी लोग मिले होंगे आपको के जो टाइप्स के जो इंग्लिश बोल पाते हैं, है ना? तो आप उनसे मिलकर आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला उनसे? एक्सपीरियंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी नर्वस. जब मैं दूसरे इंग्लिश स्पीकर्स को देखती थी तो एट फर्स्ट आई यूज टू बी वेरी नर्वस कि यार वो मेरे से कितना अच्छा बोलते होंगे. मैं बीच बीच में अटक जाती थी स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती थी, मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि यार मैं इतना अच्छा क्यों नहीं बोल पाती. लेकिन धीरे धीरे वो होता ना, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. तो ये मानना होगा कि ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं आ सकता एक टाइम पे, और हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है, और इसमें आपको शर्माने की कोई बात नहीं है, लाइक नाराज़ होने की कोई बात नहीं है. आप धीरे धीरे सीखते रहोगे. आपको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना होगा लोगों को बोलते समय. लेकिन लोगों से सराउंडेड थी तो वो काफ़ी अच्छे लोग थे, दे वर वेरी काइंड एंड वेरी पोलाइट. तो जब भी मैं कुछ मिस्टेक होती थी लाइक, तो वो मेरा लाइक होते हैं ना, कोई कोई बच्चे होते हैं स्कूल में फ्रेंड्स होते जो मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि नहीं तुझे तो ये नहीं आता, तू ऐसे कैसे लाइक. बट जो लोग मेरे पास थे उन्होंने लाइक दे वर लाइक वेरी काइंड एंड वेरी पोलाइट. तो दे यूज़ टू करेक्ट मी इन अ वेरी पोलाइट वे कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, लाइक बहुत अच्छे थे ओवरऑल. तो लाइक मैं भी यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपके सामने भी कोई गलत कर देता है या कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है बोलने में, तो आप उसको बहुत अच्छे से आ सकते हो कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं ऐसे बोलते हैं. मतलब अगर कोई स्टूडेंट हो ग्रामर, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती हो, ग्रामर से स्टार्ट करना सही रहेगा उसके लिए जो भी है? आई गेस देखो लाइक ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट है. लाइक उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी लाइक ऐसे एज एन इंडियन स्टूडेंट हमारे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दरवाजे को इंग्लिश में डोर बोलते हैं. तो लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत सारे लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आधे से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बेड हो गया, डोर हो गया, लाइक एवरीथिंग, ठीक है. तो धीरे धीरे आप थोड़ी सी अपनी वोकेबुलरी बढ़ाओ कि इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. बुक्स, नोटबुक्स, तो हम बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में. तो आप अपनी थोड़ी सी वोकेबुलरी बढ़ाओ, जो बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, उनको क्या बोलते हैं, और बेसिक वर्ब्स क्या होते हैं, बेसिक टेंस क्या होते हैं, इन सबको लाइक सीखो. फिर है ना, आप ग्रामर पर जंप करो. ज़्यादातर टाइम कहाँ बीता? जैसे हर जैसे घर का जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, सेम नहीं होता. घर में कुछ और भी ख़राब माहौल होता है, उसके स्टडी करना और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है. ज़्यादातर उसका समय कहीं स्कूल में बीता होता है, कहीं लाइब्रेरी में जो ज्वाइन करते हैं मतलब कुछ सीखते हैं. और आजकल जितनी भी मैं देखता हूँ बाज़ार में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ खुल, वहाँ भी कॉम्पिटिशन है. ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं घर में माहौल नहीं बनता स्टडी का. तो आपके घर में कैसा माहौल बना जो आप स्टडी वाकई में कर पाए और आप यहाँ से यहाँ मतलब अमेरिका के सफ़र तक आप जाओगे? तो ये पॉसिबल इम्पॉसिबल सा लगता है, आपने पॉसिबल कैसे करा मतलब ये चीज़? लाइक मेरा भी घर एकदम लाइक बोलते हैं ना, बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली जैसा है, लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत शोर मचाते हैं. तो मैं क्या करती थी सुबह, लाइक आई मेंशन अर्लियर, आई यूज टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं. सुबह
पाँच बजे उठना, छः बजे उठना, लाइक जब ज़्यादा शोर नहीं होता और उस वक्त लाइक योर माइंड इज़ एट लाइक फुल कैपेसिटी एंड आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ सीख पाते हो जल्दी उठ के जब आप कुछ भी पढ़ते हो। तो मैं बस यही ट्रिक यूज़ करती थी जब मैं यहाँ पे थी। और फिर लाइक इवेंचुअली जब टेंथ के बाद मुझे लाइक दिल्ली ले गए तो दिल्ली पे लाइक आई वाज विद अदर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे तो लाइक स्टडी का एकदम लाइक फुल एनवायरनमेंट था, तो वहाँ पे मुझे कोई लाइक डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं थे। और घर पे लाइक यू नो आई यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, आई सैक्रिफाइस सम थिंग्स यू नो, तो धीरे धीरे मुझे बस आदत पड़ गई इन सब चीज़ों की और धीरे धीरे फिर मुझे एनवायरनमेंट में मिल गया पढ़ने का। आप जो स्टडी किया तो एनवायरनमेंट आपने बनाया या आपके फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया कि नहीं ये हमारी बच्ची पढ़ रही है तो इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए? तो मेजरली ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारी पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस घर वाले कभी कभार नहीं देते हैं, तो वाकई में कुछ कहते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे, कहीं कुछ करना तुम्हारा मेरा बिजनेस ही है, तो ऐसे वाला ताने और कई घर में पढ़ते भी होंगे, तो आपको भी ऐसा कहीं लगा कि आप? नहीं, बाहर से या कहीं से भी? लाइक एक्चुअली माई फैमिली मेम्बर्स वर रियली सपोर्टिव, मुझे मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबसे फुल सपोर्ट मिलता था हर चीज़ में, और दे वर लाइक तू बस पढ़ाई करो और कुछ नहीं, लाइक मुझे ना घर के कामों में लाइक इन्वॉल्व किया गया कि नहीं तू काम मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और लाइक बस अच्छे नंबर लेके आ वगैरह, लाइक इन सब चीज़ों पे लाइक, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था, ना घर के कामों में था ना कुछ और दूसरे मैटर्स में था, सो आई वॉज फुल्ली कंसनट्रेटेड ऑन माई स्टडीज़। एंड मुझे मेरी फैमिली ने इन्वायरमेंट भी दिया लाइक कोई भी लाइक ज़्यादातर वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस कॉज ना करे और मैं लाइक डिस्ट्रैक्ट ना हूँ अपनी स्टडीज़ से। हाँ, लाइक माई फैमिली मेम्बर्स वर रियली सपोर्टिव इन दिस मैटर। की बात आती है तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है जो ये सबसे बाधा बनकर आता है स्टूडेंट की लाइफ में, स्मार्टफोन आपके पास था, कब आया स्मार्टफोन, और आपको लगता है कि अगर स्मार्टफोन किसी स्टूडेंट के जो जर्नी होती है उसको मतलब थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, तो ऐसा स्मार्टफोन में एडिक्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया हो गया ना, आप अपनी जर्नी कैसे बताना चाहोगे, आपने स्मार्टफोन का कितना यूज़ किया? स्मार्टफोन का लाइक जब टेंथ ग्रेड तक मैंने बिल्कुल भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया, लाइक मेरे पास खुद का स्मार्टफोन पर्सनल स्मार्टफोन था ही नहीं, अगर कुछ काम होता था छोटा मोटा तो मैं अपने पापा से ले लेती थी, तो टेंथ तक जब तक मैं बाहर दिल्ली में पढ़ने के लिए नहीं गई तब तक मेरे पास अपना पर्सनल स्मार्टफोन नहीं था, और उसके बाद लाइक जब मैं बाहर गई तब मुझे लाइक इवेंचुअली परचेज करना पड़ा था कि मैं घर वालों से बात कर सकूँ। और लाइक सोशल मीडिया ऐप्स है लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक लॉट ऑफ लाइक apps for entertainment, तो मैं बस बोलूँगी यूज़ करो बट टाइम लिमिट, लाइक मेक अ टाइम टेबल यू नो, शेड्यूल बनाओ अपना प्रॉपर कि मुझे दिन में लाइक एक घंटा अगर इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो मैं वो करूँगी बस सिर्फ एक घंटा, लाइक हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, लाइक मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप ज़िंदगी में लाइक सच में कुछ नहीं कर पाओगे, तो बस अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, टाइम टेबल अपना शेड्यूल बना लो कि इतने घंटे मुझे बाहर खेलना, एक दो घंटे लाइक मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम दूंगी लाइक सिंगिंग डांसिंग और प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, वो भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, और लाइक दो कि इतने ही टाइम लाइक मैं पढ़ाई करूँगी और सब, लाइक मेक अ शेड्यूल ताकि आप लाइक अपने लाइफ को बैलेंस बना सको, लाइक इन्जॉयमेंट भी और लाइक आपका वर्क लाइफ भी दोनों बैलेंस रहे। उसमें शुरू से ही अगर डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा तो वो कैसे चीज कर पाएगा? अब मैं भी कहीं ना कहीं एक ऐसी इंस्पिरेशन थी जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही थी, जैसे कि एनर्जी कभी लो भी होती है और डाउन भी होती है और अप भी होती है, तो आप में ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो आपका कोई इंस्पिरेशन था कि हाँ उसको देख कर मैं आगे बढ़ रही हूँ? So like you know eventually coming from a lower middle class family I knew I had to like you know support my family in a way like financially so you know mera sabse bada motivation to yahi tha education puri karni hai bahut acche tarike se aur fir ek bahut achi job leni hai taki main apni family ko financially support kar saku aur like when you see a family struggle to aapke andar wo apne aap hi motivation aa jata hai ki nahi I have to do something bhi jante ho like jo most of the audience hogi wo like they also belong to a middle class family so I know you all can relate to my situation ye bhi hai or like you know I also want to like change my future and like the future of other underprivileged student just like me you know Amit sir
Amit sir is the founder of like Sitare Foundation, the educational NGO I talked about, which is sponsoring my education. So I want to be like him. I want to support other children who are just like me. So I have this inspiration. I also want to like do something in life, do something great and support other people. Okay, school life ki journey ke bare mein aap kya kehna chahoge? Jo school life hoti hai, jo majorly hoti hai, jo friend circle mein rehte hain, to iska environment mein fark padta hai. Majorly hum local area mein jaise hum dekhte hain, to hamare jo schools ka environment hota hai aur class ka environment hota hai, to kabhi kabhar hum sincere bhi hote hain. तो जैसे जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं, जिस ग्रुप में हम ऐड हो जाते हैं, तो उस टाइप के हम बन जाते हैं. तो आपने अपने स्कूल लाइफ में किस किस के साथ इतना आप प्रिपेयर रहे कि हाँ ये ग्रुप अच्छा है, उसमें भी इस ग्रुप होते होंगे? सो आई हैड अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स. सम वर लाइक ग्रेट इन स्टडीज, सम वर लाइक नॉट सो ग्रेट इन स्टडीज, लाइक यू नो दे वर एवरेज. सो लाइक मैं कोशिश करती थी कि मैं जितने ज़्यादा अलग अलग लोग हो सके, डाइवर्स पीपल के सबके साथ बैठोगे ना तो आप सबका एक्सपीरियंस देखोगे, तो उससे आप बहुत सी नई नई चीज़ें सीखोगे. तो मैं तो बस यही कोशिश करती थी कि लाइक मैं जितने अलग अलग लोग हो सके उनसे मिलूँ और उनसे बात करूँ और लाइक उनको फ्रेंड्स बनाओ, ताकि मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स हो, ताकि मैं बहुत सारे डिफरेंट लाइक पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस हूँ और लाइक नई चीज़ें सीखूँ. और लाइक ये भी होता है लाइक there are some friends who will try to distract you from your studies. ठीक है, चलो यार ये खेलते हैं, ये enjoy करते हैं, जो आपको पढ़ाई ना करने दे. तो उस वक्त आपका लाइक डिसिप्लिन काम आता है. दैट यू समटाइम्स यू विल हैव टू बी असर्टिव एंड से नो टू सर्टेन थिंग्स, से नो टू योर सर्टेन पीपल. अपने फ्रेंड्स को भी ना बोलना होता है कि नहीं आज मेरा ये काम है और मुझे ये कम्प्लीट करना होगा, ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना है, तो मैं बस वैसा ही रहूँगी. तो बस यही है, ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट यू एट दी एंड. मैं डिसिप्लिन तभी आता है जब हमारा गोल एक फिक्स होता है कि गोल है, तो वही मेरे को दिखता है कि. और जब सोते हैं और रात दिन हम जिस सपने की बात करते हैं, गोल होता है. और डिस्ट्रैक्शन तो सबके लाइफ में आते हैं, तो आपको उनसे ही आगे बढ़कर कुछ करना होता है कि डिस्ट्रैक्शन को हरा कर और गोल अचीव करना होता है. फिफ्थ क्लास के बाद आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि मेजरली हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करते हैं, तो फीस की बात आती है. जो हम बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, हम सोचते हैं कि इन स्कूल्स में ज़्यादातर उनकी फीसें ज़्यादातर बड़ी होगी, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होगी, तो हर कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता. जैसे कि मैंने आपकी कहानी को थोड़ा सुना, तो मुझे आपने बताया कि आपके मिडिल क्लास में जो आपने पढ़ाई में हेल्प किया, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपका पैसा ज़्यादा लगा नहीं. तो ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई ऐसी स्कूल भी है हमारे सोसाइटी, हमारे शहर में, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? इसमें मेरा कोई बिग रोल नहीं था. तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब 2016 में फाउंडेशन लाइक सितारे फाउंडेशन नया नया ओपन हुआ था, तो उस वक्त लाइक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी न्यूज़पेपर में. तो सितारे फाउंडेशन के बारे में मेरे ब्रदर को लाइक मेरे बड़े भैया को न्यूज़पेपर से पता चला. लाइक उन्होंने जब नया नया फाउंडेशन 2016 में खुला था, ओपन हुआ था, तब उन्होंने लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी. तो बस वहीं से लाइक माई ब्रदर यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, सो ही गॉट टू नो अबाउट सितारे फाउंडेशन फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट. एंड देन लाइक ही थॉट लाइक इट वुड बी लाइक आई वॉज ऑल्सो इन फिफ्थ ग्रेड एंड इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू अप्लाई टू दैट स्कूल. एंड देन ही वेंट एंड चेक द स्कूल एंड देन लाइक ही प्रिपेयर्ड मी फॉर द एग्जाम्स एंड लाइक हैविंग दिस बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ. पता था कि जैसे हम मेहनत करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम जब फीस की बात आती है तो आपको अफोर्ड नहीं करना होता है. स्कूल या कुछ फाउंडेशन होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. मेजरली जब हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो और मेरी पढ़ाई करता है सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताते कि सब्जेक्ट में करियर ऑप्शंस कितने होते हैं, करियर डिसाइड. जैसे आपके अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो आप लोगे, तो उसको पकड़ कर आप गोल अचीव कर पाओगे. करियर ऑप्शन आपको पता नहीं होगा तो आप कोई स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ पाएगा. करियर मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है, करियर आप जो इसमें इंटरेस्ट रखते हो. Actually, in my case, I was very fortunate to have counselors in like the NGO to help introduce me to different career options, and I was like also very passionate about like computer science ever since I was like, you know, ever since I got enrolled in Sitare Foundation and got introduced to new PCs and laptops. So yeah, I was really interested in technology, so therefore I chose like science and math, and I decided to pursue engineering in the future, and I aspire to become a software engineer and work at a big tech company. That's my dream. So yeah. और दूसरे basic students के लिए you know like आजकल like for example like I said earlier, अगर सबके पास like सब इतने lucky नहीं होते कि सबके पास personal counselors हो उनको career options बताने के लिए, what you can do is you can go and ask your teachers. और टीचर आपको खुद नहीं बताता तो आप एक step forward दो और टीचर्स से खुद पूछो.
आप मुझे बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या करियर ऑप्शंस है इन सब्जेक्ट्स में, क्या करियर्स है। और आजकल सभी स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज तो होती है कि इंजीनियरिंग के लिए साइंस मैथ चूज़ करना होता है, डॉक्टरिंग के लिए साइंस बायो चूज़ करना होता है, एंड इफ़ यू वांट टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस देन यू हैव टू चूज़ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा। सो और यू कैन यूज़ लाइक एवरीबडी हैज़ फोन्स दीज डेज, सो जस्ट लाइक मेक अ गुड यूज़ ऑफ योर फोन्स। ठीक है, फ़ोन सबके पास होता है, उसके अच्छे से यूज़ करो। उस पर लाइक बहुत सारे AI लाइक टेक्नोलॉजीज है, लाइक ChatGPT हो गया, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा भी आप चाहो कि लाइक अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज़ करूँ तो इसमें क्या क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कुल मिला के मैं बस ये बोलूँगी, जो आपके पास फ़ोन है, जो आपके पास इंटरनेट है, उसका आप फुल यूज़ करो। अगर आपके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है, लाइक और कोई लाइक कोई टीचर नहीं बता रहा, कोई काउंसलर नहीं है, तो वो बेसिक चीज़ें फ़ोन और इंटरनेट तो आजकल सबके पास होता है, तो उसका अच्छे से यूज़ करो। उधर एक सर्च करना होता है, इन्होंने बताया कि ChatGPT, गूगल बार्ट ऐसे AI आ गए हैं जिससे आप कुछ उनसे पूछ सकते हो। आपका कोई एक नया टीचर है तो आप उससे गाइड ले सकते हो, और वाकई में वो जो आप आंसर मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हो वाकई में वो इतना सटीक आंसर देता है और जितना आपने सोचा नहीं होता उतना लंबा चौड़ा आंसर भी देता है और उसमें गोल बताते हैं। तो मैं आपके लाइफ से एक तो इम्प्रेस हुआ हूँ, जो आपने स्ट्रगल किया है, आपने जैसे कहानी जैसे आपने बताई, और स्कूल के बाद जैसे 10th के बाद जैसे आप नोएडा दिल्ली गए, तो वो एक्सपीरियंस क्या आप बताना चाहोगे? उसमें फिर ऐसे ही जैसे आपने सितारा फाउंडेशन था, तो वहाँ पे क्या कौन सा फाउंडेशन था जो आपको यही स्टडी एनवायरमेंट दे रहा था? एक्चुअली लाइक सितारे फाउंडेशन ही था जो मुझे दिल्ली में सपोर्ट कर रहा था, वो सब चीज़ के लिए पे कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने ही लाइक हायर किए थे ट्यूशन टीचर्स, वो जो हमको लाइक पढ़ा सके। तो बेसिकली दे वर पेइंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द टीचर्स एंड फॉर मील्स एंड लाइक everything, so like basically वही support कर रहे थे। and like you know एकदम से जोधपुर is not that developed as compared to like जयपुर and other गुड़गांव and दिल्ली। so like जब मैं first time गई थी तो I was really mesmerized by that place, I was really impressed with the you know big infrastructures and tech companies, so yeah I was really excited at first and eventually I got used to the place and now I'm going to America, so it's a big deal for me. I'm really excited and I'm nervous as well because I'll be traveling all alone. So iske total 5 branches hai like in Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Bhopal and Indore. In panchon jagah like 5 different schools hai, like for example in Jodhpur abhi like Birla school hai, BR Birla school, to wahan pe like foundation bachcho ko padha raha har saal, like exams hote hain foundation ke, like entrance exams like for in 6th grade aur ab to I guess 9th grade mein bhi hone lag gaye, jo bacche 9th grade like pass या 9th grade mein aa rahe hain to wo bhi like exam de sakte hain। तो ये आप एग्ज़ाम्स होंगे, और मेरे टाइम में तो इंटरव्यू भी हुआ था, आई डोंट नो लाइक अभी इंटरव्यू होता है या नहीं होता बच्चों का, लेकिन अगर वो होगा भी तो लाइक पेपर तो होता है 3 घंटे का, और फिर एक इंटरव्यू भी होता है उसके बाद, लाइक दे विल डिसाइड इफ दे वांट यू स्टूडेंट और लाइक नॉट। अगर आज भी इस टाइम पे कोई ऐसी फाउंडेशन है जो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को, लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ, अभी भी क्या सितारा फाउंडेशन अभी भी कंटिन्यू वैसे वर्क कर रहा है जो 2016 में कर रहा है? लाइक फाउंडेशन लाइक सितारे फाउंडेशन इज़ ग्रोइंग, वो लाइक उनका मिशन है कि आई गेस 2050 तक आई गेस 50,000 बच्चों को उनका फ्यूचर उनको चेंज करना है, दैट इज़ द मिशन। लाइक यू कैन आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वर्डिंग, बट यू कैन लाइक चेक देयर वेबसाइट एंड लाइक यू नो फॉर लाइक अदर इन्फोज, बट दे आर स्टिल सपोर्टिंग। लाइक अभी भी एग्जाम्स होते हैं, हर साल एग्जाम्स होते हैं बच्चों के लिए, और आप लाइक एंट्रेंस का दे सकते हो, आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका आप एग्ज़ाम दिलवा सकते हो और वो आप बच्चे को फुली सपोर्ट करेंगे। फंडिंग कौन देता है, वो गवर्नमेंट देती है या द पीपल इन द US एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल हु लाइक हु हैव कोलैबोरेटेड विद अमित सर एंड लाइक अमित एंड शिल्पा सिंगल, सो लाइक दे हैव लाइक मेक दिस बिग कोलैबोरेशन। पहले तो स्टार्टिंग तो सिर्फ एक सिंगल कपल ने ही की थी, और फिर बाद में लाइक बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो वो भी लाइक फंडिंग कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट अबाउट लाइक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से नहीं होता, वो बस चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाए, लाइक जो बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अकेडमिकली इंटेलिजेंस लाइक इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक मेरे जैसे बच्चे हैं जो लाइक भले ही कितने पढ़ाई में क्यों ना होशियार हो, लेकिन अगर उनको ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते, तो वो बस उन सबको एक चांस देना चाहते हैं, सब बच्चों को, कि वो अपने लाइक मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सके, अपनी और अपनी फैमिली की लाइक पूरी लाइफ और पूरी ज़िंदगी चेंज कर सके। तो ये है, और वो चाहते हैं
कि जिन बच्चों को वो अभी पढ़ा रहे हैं आगे जाके अगर वो सक्सेसफुल हो तो वो भी उनकी तरह ही इस फाउंडेशन की जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिकम अ सक्सेसफुल लाइक सक्सेसफुल पर्सन इन अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो लाइक यू नो support Sitare Foundation or also contribute to the foundation and support other underprivileged students in the near future. देखा जाओगे तो आप जैसे स्टूडेंट कई सारे मिलेंगे जो आपके एकदम लेवल के होंगे, तो आप उनसे मिलोगे और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ जाकर. कई दुनिया भर के लोग आएंगे वहाँ पे, स्टूडेंट्स होंगे, है ना. Very excited to be honest. I mean, very nervous as well. Like for example, I'll be traveling all alone. Okay, so like मैं nervous भी बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि like इट्स माई फर्स्ट टाइम स्टडिंग अब्रॉड और गोइंग टू अब्रॉड. तो लाइक अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात है, इट्स लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड लाइक यू आर इन लिविंग इन इंडिया. सो वही चीज़ है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी. उधर बहुत सारे लोग होंगे, लाइक यू नो अमेरिका इज़ अ डाइवर्स पीपल, लाइक यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लाइक बहुत एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड अदर अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारे लोग आएंगे. और यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल लर्न न्यू थिंग्स, यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड लाइक eventually like you know I'm very excited. The education system in America is also very flexible. Like इधर इंडिया में हमारा educational system इतना flexible नहीं है, और अमेरिका में like you can study like business and you can study computer science, you can study humanities, history पढ़ सकते हो आप और engineering भी साथ में पढ़ सकते हो. तो वहाँ का system बहुत flexible है. They also like support on other extra curricular activities like basketball, singing, dancing, like they support like everything, you know. They support on the overall growth of an individual. So yeah, it's a great place and you know I'm really excited. For America ke liye Sitara Foundation hai kya? Like currently it's only for America aur wo bachcho ko India mein hi padha raha hai. Like jo bachche like इट्स अबाउट यू. अगर आप जाना चाहते हो आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. अगर आप जाना चाहते हो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा. यू हैव टू बी एन एक्सेलेंट स्टूडेंट इन अकेडमिक्स एंड इन अदर एक्टिविटीज एज वेल. सो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू लाइक यू नो गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो या और वो इंडिया में भी लाइक सितारे फाउंडेशन ने आई गेस भोपाल में सितारे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो वहाँ पर लाइक बहुत सारे लाइक यू नो फॉरन टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे. तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए लाइक जो अभी ग्रेजुएट होंगे ट्वेल्थ के बाद, और जो लाइक आईआईटी के लिए भी कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट. सो जो बच्चे इंजीनियरिंग में लाइक ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएट होंगे उनके लिए फाउंडेशन ने सितारे यूनिवर्सिटी खोली अभी नई भोपाल में. तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा. अगर आप बाहर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इंडिया में ही में भी लाइक पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो. कॉलेज है वहाँ पे अमेरिका. लाइक आई बीन एडमिटेड टू लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इन ट्विन सिटीज. तो उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है नया नया, और आई बी मेजरिंग इन कंप्यूटर साइंस. आई बी गेटिंग अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. कितने साल आप फॉर 4 years? इट्स कोर्स पूरे 4 साल का है. और वहाँ पर वापस आने का कोई गुंजाइश नहीं है क्या? 4 साल बाद ही कम्प्लीट होने के बाद आप वापस इंडिया आ सकते हैं, ऐसा कुछ है या कुछ छुट्टियाँ होती है तो आप क्या इंडिया वापस आ सकते हैं? Obviously, like you'll have summer, like I'll have summer vacation, winter vacation. So, if I can afford कर सकती हूँ, तो like I can come back to India anytime I want during the vacations. और 4 साल के बाद, it's totally up to me. सब मेरे ऊपर है. अगर मैं चाहूँ तो अपनी like job है जो like America में भी like continue, US में continue कर सकती हूँ. और अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी family के पास रहूँ और इधर रह के job करूँ, तो मैं ये like सिर्फ मेरी choice है. It's up like no one is forcing me to like things. So yeah. I can like even come back to India and get a good job or even stay in the US. Yeah, about your goal, कि आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कोई IIT बॉम्बे IIT रुड़की में अगर आपका एडमिशन हो, तो आपको JEE क्लियर करना होगा. लाइक मेरा लाइक बहुत पहले डिसाइड हो गया था कि आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड. सो आई थॉट लाइक दैट वुड नॉट बी दैट यूजफुल इन माई केस. सो इसीलिए मैंने लाइक उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो मुझे लाइक क्रैक करनी होगी JEE ताकि मैं बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लाइक एडमिशन ले सकूँ. ऑब्वियसली तो और इंडिया में लाइक JEE नीट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. सो आई थॉट इट वुड नॉट बी अ गुड थिंग टू डू आई यस. ऑब्वियसली यू कैन डू इफ़ यू आर लाइक रियली डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड अबाउट गेटिंग इन टू एन IIT. सो या यू कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर JEE. इट्स लाइक टोटली अप टू यू वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वॉट योर गोल्स आर. आप चेक करते हैं, अगर वीज़ा की बात आती है तो वीज़ा सबको नहीं मिल पाता, तो अप्रूवल कैसे मिलता है ये?
अप्रूवल, वीज़ा का अप्रूवल एक्चुअली लाइक यू हैव टू गेट थ्रू एन इंटरव्यू एंड आपको सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल I-20 योर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग. आई वेंट टू मुंबई फॉर द इंटरव्यू एंड लाइक यू नो फॉर द अपॉइंटमेंट, कंसुलर अपॉइंटमेंट. सो या, तो बेसिकली वो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एडमिशन हुआ था, तो दे विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. यू नो दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चन. आप पूछ सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू फॉर एन स्टूडेंट फॉर F1 वीज़ा. लाइक स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनको F1 वीज़ा मिलता है, तो उसके लिए लाइक आप सर्च कर सकते हो. मैंने भी उस पर लाइक रिसर्च किया, थोड़ा क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चंस देखा, उनके आंसर्स प्रिपेयर किए लाइक सो आई कैन लाइक स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. सो लाइक मैंने, हाँ मैंने वैसे ही लाइक उस तरीके से उनको क्वेश्चंस पढ़े, उनकी तैयारी की, और लाइक आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट. यू नो लाइक समटाइम्स यू जस्ट नीड टू शो योर कॉन्फिडेंस. यू डोंट बी नर्वस व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू नो, क्योंकि आपको उनको दिखाना होगा कि आप लाइक इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हो, तभी आप अमेरिका जाने के लायक हो, लाइक लायक बनोगे, तभी आप लाइक एक कॉलेज में लाइक अमेरिकन कॉलेज में आप पढ़ पाओगे.